तुम्हें कहा था कि वे शाहजेब को तैयार करके स्कूल भेज देना, जब घर आए तो उसको खाना खिला देना। अब मैं वापस आई हूँ तो बच्चा भूखा बैठा हुआ है। अरे भाई चाय पापा रख के तो सोई थी मैं उसके लिए, उमर खा गया होगा तो अब मैं क्या करूँ। पूरी रात ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई कसम से। पहले सोने लगी तो फोन पे फोन आने शुरू हो गए, फिर सोई तो नसीर आ गया, फिर सोई तो आप आ गई, फिर सोई तो जमाल ने उठा दिया कि नाश्ता दे दो, फिर सोई तो अब्बू का फोन आ गया, वो चाबियां वाबियां चेक बुक वगैरह पता नहीं क्या अल्लम गल्लम सल्लम चीजें हैं। फिर सोचा कि अब जाके सो जाऊंगी तो वो शहनाज आके बैठ गई। ऐसे अम्मी एक बात बतानी है मुझे आपको, आपस की बात है मेरी आपकी बात है। मुझे ना जहर लगती है ऐसी औरतें जो ना आमने सामने तो बड़ी मीठी मीठी बनती है लेकिन पीछे जो ना लगाई बजाई करती हैं। आपको पता है शहनाज मुझसे क्या कह रही थी? मुझसे कह रही थी कि अरे भाई मैंने तुम्हारी सास से पूछा कि तुम जो ना अजरा की वो खाले की बेटी से वासिफ का रिश्ता क्यों नहीं कर रही, तो कहने लगी मुझे तो नहीं करना उससे रिश्ता, मैं तो अपनी मर्जी से अपनी पसंद से करूंगी। और पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि मैं तो सोच रही थी कि तुम तो बड़ा हंगामा करोगी इस रिश्ते के ऊपर है, तुम तो शादी नहीं होने दोगी वासिफ की कहीं और, लेकिन तुम तो कुछ बोल ही नहीं। मैं तो फौरन समझ गई कि ये मुझे ना आपके खिलाफ चढ़ा रही है। शहनाज ने ये सब कुछ कहा तुमसे? हाँ 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 उसी ने कहा। और अब आपको पता है आपको ना उल्टी बातें लगाएगी, आपको बोलेगी कि मैं ये कह रही थी कि मैं वासिफ की शादी नहीं होने दूंगी, देख लेना। तो तुम ऐसा करो कि आटा गूंथ लो, तुम्हारे अब्बू और जमाल आने वाले हैं। हाय मिठाई कहाँ से आई, कौन लाया? हाँ तुम्हें बताना था मैंने, अस्मा उम्मीद से है। हाँ, सच्ची? एक बच्चे पे इतना चीखता चिल्लाता है नसीर है, दूसरे की क्या जरूरत थी भाई? नसीर ना चाहेगा दूसरे बच्चे की वजह से उसका दिल नरम हो जाएगा। फुफा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक शहनाज। आओ तुम फिर आदम की है, घर में दिल नहीं लगता तुम्हारा? जरा दो घड़ी अपने मियाँ के पास बैठ जाया करो तो प्यार से बोल बोलिया करो उससे। ये क्या बदतमीजी, बेबी बाजी ने बुलाया था इसलिए आई। अच्छा भाई ठीक है, करो अपनी बेबी बाजी से बातें, मैं तो चली। अम्मी जरा मुंह पे छपका मार लू फिर आके आटा गूंथ लूंगी। सही है, रुक जाओ, मैं चाहती हूँ कि शहनाज के साथ मैं बात जो करूँ वो तुम्हारे सामने करूँ। ना अरे अम्मी भाई क्या है, मुंह तो धोने दे, आंखें तो खुले दे और इनको बातों की पड़ी हुई कि बातें कर लूँ बातें कर लूँ। तौबा तौबा, मैं घर आई हूँ ना, को खाना पकावा बावर्ची खाना औंधा पड़ा हुआ। अच्छा परेशान मत हो, अब तीसरी बहू आएगी तो आपको भी सहूलत हो जाएगी। अब पता नहीं वो कैसी होगी। अच्छा ये बताइए खैरियत तो है, आपने बुलाया मुझे? हाँ मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि कितनी देर ये मेरी अलमारी में घुसी रही है। ये तो मुझे पता नहीं, बस जैसे ही आपने फोन किया मैं तो फौरन आ गई थी, लेकिन जब तक पहुंची तब तक ये ताला लगा चुकी थी। फिर वलीद आ गया, वो चेकबुक और चाबियां लेकर चला गया। अच्छा